नमस्कार दोस्तों, आज ये जानेंगे जैसे यदि आपको घर के लिए कम बजट में यदि प्लाईवुड लेना रहता है तो किस प्रकार से आप चेक करके अच्छी क्वालिटी का ले सकते हो। जैसे आपको यदि घर के लिए बजट ज़्यादा रहता है तो आप ब्रांड्स का ले सकते हो, अच्छी अच्छी ब्रांड आती है उनमें आप जा सकते हो। और यदि बजट कम रहता है तो बजट कम में भी आप अच्छा प्लाईवुड है चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हैं तीन पीस रखे गए हैं, दो प्लाईवुड के हैं और एक बोर्ड का रखा गया है। ये बोर्ड वाला है, ये प्लाईवुड है, इसका साइज़ है 19 mm का साइज़ है। जैसे आपको सबसे पहले है यहाँ पे सरफेस देख लेना रहता है, ऊपर का सरफेस यहाँ पे आप देखो। जैसे ये सरफेस है यदि अच्छा रहता है, प्लेन वाला और उखड़ा हुआ नहीं रहता है, तो समझो कि ये प्लाईवुड अच्छा है और लेमिनेट वगैरह उस पर अच्छी पकड़ हो जाती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में देख लेना रहता है। और जैसे यहाँ पे हैं दोनों प्लाईवुड के पीस है, कॉमर्शियल वाले प्लाईवुड रखे गए हैं, सादे वाले प्लाईवुड रखे गए हैं, लो कॉस्ट वाले। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो लेयर्स देख सकते हो, इनमें गैप्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा गैप्स यहाँ पे, इसमें कम गैप है और इसमें ज़्यादा गैप है, तो ये भी आप ध्यान दे के चल सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो इसमें जैसे कोर है, कोर का गिनती कर सकते हैं यहाँ पे, 13 से 14 के बीच में यहाँ पे कोर रहता है। ये जो पट्टी पट्टी दिख रही है यहाँ पे छोटी छोटी, यहाँ पे ये पट्टी गिन सकते हो, 13 से 14 के अराउंड में ये पट्टियाँ आती है यहाँ से। और यहाँ पे थिकनेस दे सकते हो कि प्लाईवुड का कहीं से बीच में से मोटा है, कहीं से लेयर्स ऊपर नीचे चढ़ी रहती है, ये नहीं होना चाहिए। यदि घर का काम करवाते हो तो आपको एक ही बार में यदि करवाना रहता है अच्छा क्वालिटी का, आप प्लाईवुड यूज कर सकते हो। यदि कम बजट रहता है उसमें भी आप इस प्रकार से अच्छी प्लाईवुड है चूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड रहता है, इसमें यहाँ पे गिट्टी गिट्टी भरा रहता है, तो इसमें भी गैप्स यदि ज़्यादा रहते हैं तो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इंजिस वगैरह जो लगाते हैं यहाँ से निकल जाते हैं इंजिस। और यहाँ पर देख रहे हो ये पट्टी भी, जिसमें पट्टी नहीं लगा रहता है वो भी अच्छा नहीं रहता है। और यहाँ पर हैं ये दो कोर में है, और यदि इसमें डबल कोर में लेना रहता है, यहाँ पे दो लेयर और यहाँ पे दो लेयर, तो वो इससे भी अच्छा आता है। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे प्लाईवुड है, प्लाईवुड में आप जैसे यदि प्लाईवुड का थिकनेस कम या मोटा पतला रहता है तो इसमें लेमिनेट लगाने में फिनिशिंग नहीं आती है और पार्टी है काफ़ी बेंड हो जाता है। और जैसे यहाँ पर देख रहे हो जैसे ये जो प्लाईवुड है, ये प्लाईवुड एक ही रेंज में है, 55 से 60 रुपये के स्क्वायर फीट के अराउंड में है। और यहाँ पे देख रहे हो ये जो प्लाईवुड है, नज़दीक करता हूँ थोड़ा मैं, यहाँ पे इसमें सॉफ्ट कोर ज़्यादा है और इसमें है हार्ड कोर ज़्यादा है। देख रहे हो ये थोड़ा रेड कलर का, जैसे रेड कलर में रहता है तो ये अच्छा क्वालिटी रहता है, क्योंकि इसमें हार्ड कोर ज़्यादा रहती है और इसमें सॉफ्ट कोर ज़्यादा है, क्योंकि जो सॉफ्ट कोर रहता है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, दीमक वगैरह जल्दी लग जाती है। और यहाँ पे हार्ड कोर है, हार्ड कोर में दीमक वगैरह टाइम से लगती है, यानी काफ़ी टाइम बाद में तक कोई दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे इसकी थिकनेस है 18 mm की थिकनेस है, और इसकी जो थिकनेस है मोटी थिकनेस है, 20 mm के अराउंड में यहाँ पर थिकनेस है, तो ये ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए प्लाईवुड। यदि आपने 18 mm का यूज़ किया है तो आप 18 mm के हिसाब से गिनती करके चल सकते हो। और यदि ये तीनों में बात की जाए तो जैसे ये क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें हॉर्ड कोर है, नज़दीक से दिखाता हूँ, हॉर्ड कोर ज़्यादा है यहाँ पे देख रहे हो, ये भी हार्ड कोर है, यहाँ पर भी हार्ड कोर है, ये भी हार्ड कोर है, गैप्स भी नहीं है, ओवरले भी नहीं है, यानी ऊपर नीचे ये जो लेयर्स हैं वो नहीं चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से घर के लिए आप है अच्छी वाली क्वालिटी चूज करके ले सकते हो, सस्ते बजट में भी अच्छी ले सकते हो। और जैसे घर के लिए यदि दरवाजे के लिए बोर्ड लेना रहता है तो आप बोर्ड भी ले सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो बोर्ड के अंदर यहाँ पे एक 2 इंच की पट्टी लगी रहती है मिजागरे के लिए, लेफ्ट और राइट में, यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में यहाँ पर पट्टी लगी रहती है, तो आप उसको देख सकते हो। यदि पट्टी नहीं रहती है तो उसमें मिजागरा वगैरह जल्दी निकल जाता है। और यदि आपका बजट ज़्यादा रहता है तो आप ब्रांड प्लाईवुड का यूज कर सकते हो, सेंचुरी हुआ, किट प्लाई हुआ, ये सब का आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे ये नॉर्मल ब्रांड है, इसमें केवल मार्का लगा रहता है लेकिन ब्रांड वगैरह ऐसे ही लिखा रहता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है, तो उसमें भी आप अच्छी क्वालिटी चेक करके ले सकते हो। ये छोटी सी जानकारी है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।